वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 के 21वें दिन के। यस फ्रेंड्स, 21 दिन बीत चुके हैं। व्हाट अ जर्नी दिस हैज बीन, 21 डेज कंप्लीटेड, यानी कि कल सुपर 30 विल एंटर इट्स ग्रैंड फोर्थ वीक। गोल्डन क्वेश्चन, कितने स्क्रीन मिलेंगे? 700 अगर मिल जाए तो बहुत मजा आएगा, लेकिन वो कल ही पता चलेगा जब लॉटरी निकलेगी कितने स्क्रीन की। क्योंकि गाइस, हॉब्स एंड शॉ हैज टेकन 2100 स्क्रीन्स, 2100 स्क्रीन्स ले लिए, यानी कि अब सुपर 30 को कठिनाई आएगी। क्योंकि गाइस, वी हैव यू नो जजमेंटल है कि ऑल्सो उसको भी थोड़े बहुत स्क्रीन्स देने पड़ेंगे। डिस्पाइट इट नॉट डूइंग सो गुड एट द बॉक्स ऑफिस, द लायन किंग को स्क्रीन्स देने पड़ेंगे। उन लोगों को खानदानी शफा खाना जो कल आ रही है सोनाक्षी सिन्हा की, उसको स्क्रीन्स देने पड़ेंगे। तो लेट्स सी कितने मिलते हैं कल सुपर 30 को, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले वो सब बात की बात है, सबसे बड़ी बात ये है कि सुपर 30 के जो यू नो हैट है उसमें दो और फेदर लग गए। यस फ्रेंड्स, सुपर 30 हैज बीन डिक्लेयर्ड टैक्स फ्री इन जम्मू कश्मीर। देख सकते हो अपने स्क्रीन पर आनंद कुमार जी का मैसेज है, JNK जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर ऑनरेबल SP मलिक पास इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग सुपर 30 फिल्म टैक्स फ्री एंड सेड दैट दिस वुड इंश्योर दैट मोर स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू सी द मूवी टू टेक इट्स मैसेज थैंक्स एजुकेशन दैट एजुकेशन इज अ सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। देख सकते हो फोटो गाइज, आनंद कुमार जी वहाँ के जितने ऑफिशियल्स हैं उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ह्यूज अचीवमेंट मैन, माय हार्ट माय यू नो स्वेल्स विद प्राइड सीइंग सच फिल्म्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम SG ST टैक्स। एंड लिटरली दूसरी खबर जो है कि हरियाणा, हमारा हरियाणा में भी टैक्स फ्री हो गया ऐसे। सुपर 30 इज टैक्स फ्री इन हरियाणा ऑल्सो। सो गाइज, नाउ बिहार, राजस्थान, UP, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड नाउ हरियाणा, हर जगह सुपर 30 टैक्स फ्री हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कल इसे मिनिमम 700 स्क्रीन्स मिले। लेकिन गाइस, बात करें आज की, 21वें दिन के सुबह के शोज फैंटास्टिक थे 14%। आफ्टरनून के शोज थे वो 18% के ऑक्यूपेंसी थे। इवनिंग 25%, नाइट शोज 28%। एंड गाइस, मुझे लगता है फिर से सुपर 30 एक सरप्राइज स्प्रिंग इन करेगा। बात करें गाइस अभी शोज की, तो गाइस दिल्ली में फिलहाल 320 शोज हैं, थोड़े कम हुए। मुंबई में 340, 10 शोज बढ़ा दिए गए। पुणे में 130, बेंगलुरु में 75, हैदराबाद 26, कोलकाता में 118 एंड अहमदाबाद में 90 स्क्रीन है। जहां पे दिल्ली NCR में 24%, मुंबई में 15, पुणे में 17, बेंगलुरु 28, हैदराबाद 52, कोलकाता 25, अहमदाबाद 16% की ऑक्यूपेंसी थी। और जहां पर इसने हमें 20वें दिन पर सरप्राइज किया 1.47 करोड़ रुपीस कमा के, इसलिए मेरा प्रेडिक्शन रहेगा 21वें दिन का 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1 करोड़ 40 लाख। यस फ्रेंड्स, 1.30 करोड़ टू 1.40 करोड़ इज माय प्रेडिक्शन फॉर सुपर 30 ऑन इट्स 21st डे। अगर ये हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका टोटल 131.40 यानी कि 131.40 करोड़ के पास पहुंच जाएगा। अब गाइज, द गोल्डन क्वेश्चन, चौथे हफ्ते में ये कितना कमा सकता है? माई अजम्पशन इट्स फोर्थ वीक, पूरे हफ्ते में कहीं ना कहीं 8 से 9 करोड़ आराम से कमा सकता है। और ऐसा कर लेता है गाइस तो ये आराम से जो 140 करोड़ का मार्क है उसे पार कर लेगा। ओके गाइस, आई होप एपिसोड आपको पसंद आया हो। लेट्स सी, कल मिलेंगे। ओके, थोड़ा इंतजार करना, दूंगा स्क्रीन काउंट सुपर 30 का। ओके, कल ऑफिशियल कलेक्शन जब मैं दूंगा तब मैं आपको चौथे हफ्ते का स्क्रीन काउंट बताऊंगा। एपिसोड पसंद है एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। और जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं, अगर सुपर 30 नहीं देखी या देख भी ली तो चौथा हफ्ता है, फिर से जाइए और थिएटर में छलांग लगाइए भैया। एज ऑलवेज, स्टे कूल मैन।